सनातन पर स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान को लेकर नेहा सियासत जबरदस्त दिख रही है। अब आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने भी उदयनिधि के सुर में सुर मिला दिया, उन्होंने भी सनातन पर सवाल उठाए। सनातन इस बीच देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है अर्पिता, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने सनातन का समर्थन करने वालों पर हमला बोला है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी के भी सनातन पर सवाल उठाए गए हैं। सनातन में दलितों पिछड़ों का क्या स्थान है, शिवानंद तिवारी पूछ रहे हैं। तो अचानक से सनातन शब्द ही सभी के बयानों में दिखाई देने लगा है। मैंने सनातन धर्म यही सिखा रहा है ना, सनातन धर्म के जो पैरोकार हैं, जो शोर मचा रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर ये दीजिए कि हाँ साहब दयानिधि या उस लड़के का जो भी नाम है उसका सर काट के ले आइए तो 10 करोड़ रुपया देंगे। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में दलितों का क्या स्थान है? आज के दिन भी जो सनातन धर्म हल्ला करने वाला जो क्षेत्र है वहाँ क्या स्थिति है कि दलित नौजवान शादी करने के लिए घोड़ा पर जाता है तो उसको ढेला पत्थर फेंका जाता है, पुलिस अगर दखल नहीं दे तो बारात नहीं जा सकती है, मोछ रखा है मोछ छिलवा दिया जाता है, स्कूल में मास्टर जो है पीटता है, मैंने IIT और इसमें जो है कितने दलित लड़कों ने आत्महत्या कर लिया। यही सनातन धर्म है। हमको याद है पटना में पुरी के शंकराचार्य ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैंने हरिजन आर बॉर्न अनटचेबल, पैदाइशी अछूते हैं। यही है सनातन धर्म। इनसे हम पूछना चाहते हैं पिछड़ों